कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, टीम स्पिरिट। अब उसके बाद होता है हमारा फैमिली, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है कन्विंस करना, है या नहीं? फैमिली को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक कॉन्टिन्यूम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ चैलेंज, ठीक है, डिग्री ऑफ चैलेंज आपके लिए भी एक चैलेंज है, आपके पेरेंट्स के लिए भी एक चैलेंज है। डिग्री ऑफ चैलेंज का मतलब होता है आप जब काम कर रहे हो उसको एक चैलेंज की तरह लो। मैं अपने स्पोर्ट्स में भी अपना 50% दूंगा और अपने फैमिली के लिए भी अपना 50% दूंगा। फैमिली का क्या होता है, जिस टाइम तुम्हें कोई घर का काम तो करना नहीं होता, क्या करना होता है, स्टडीज करनी होती है, तो दोनों के टाइम को डिवाइड कर दो 50-50, ठीक है, 100 का 50-50 कर दो, 50 अपने गेम को दो, 50 अपनी फैमिली को दो, इतनी आपकी स्टडीज को, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट टेक इट लाइक अ चैलेंज, ऐसे मत करो कि मैं कितनी पढ़ाई करूँ या मैं कितना गेम्स खेलूँ क्या करूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा एकदम फ्रस्ट्रेशन वाली कंडीशन आ जाती है ना, डिप्रेशन, वो नहीं आना चाहिए, ठीक है। चीज़ों को चैलेंज की तरह लो, टाइम मैनेज करो। स्पोर्ट्स का अपना एक टाइम फिक्स होता है, किसी टाइम पीरियड में प्रैक्टिस होती है, स्कूल में हो तो उसका एक टाइम पीरियड फिक्स है, इस टाइम पीरियड में मॉर्निंग में आकर के प्रैक्टिस हो रही है। कभी क्लासेस के बीच में प्रैक्टिस होती है, मॉर्निंग में होती है या फिर छुट्टी के बाद होती है, वो एक अलग चीज है, एक अलग फैक्टर है, वो होती है आपकी 3 or 4 days की, या फिर मैक्स टू मैक्स 1 week की होती है, या नहीं 1 week की, वो एक अलग सीन है कि आपको 1 week के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना। तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट तो आप अपने एग्जाम्स के लिए भी करते हो, करते हो या नहीं, वो तो इक्वालिटी वाली चीज है ना। तो यहाँ जरूरत क्या है आप लोगों को, डिप्रेशन में ना जाने की, स्ट्रेस ना लेने की, बल्कि अपना टाइम मैनेज करने की, ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कई बार आप लोगों को एंग्जाइटी और नर्वसनेस भी होती है, नेशनल्स वाले बच्चों को शायद कम हो, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम रीजनल्स, जब तुम लोग खुद भी फर्स्ट टाइम रीजनल्स खेलने गए होंगे तो कुछ नर्वसनेस नहीं हुई थी ग्राउंड में जाने से पहले, ऑब्वियस है सबको होती है, लेकिन आपको अपनी उस नर्वसनेस पर